मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य सोमवार को अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे। सभी राजाभोज एयरपोर्ट से विशेष विमान के जरिए अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन किए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक की और भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि मंत्री परिषद की अगली बैठक में मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाकर धर्मस्व, राजस्व और संस्कृति विभाग को जोड़ा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित देवस्थानों के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास और नगरीय क्षेत्र के देवस्थानों के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग भी इसमें शामिल रहेंगे। सभी विभाग देवस्थानों के विकास के लिए कार्य योजना बनाकर इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य शासन का उद्देश्य है कि मंदिर देवस्थान के साथ सामाजिक चेतना और समरसता का भी केंद्र बने, मंदिरों में सामूहिक विवाह जैसे सामाजिक कार्य संपन्न हो। यह हम सबका सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा है। 2000 साल पहले भी मध्य प्रदेश के एक वीर सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में जाकर के अयोध्या का नवनिर्माण कराया था। भगवान श्री राम के जन्म स्थान से लेकर सभी देवस्थान, वहाँ घाट, कई प्रकार के पुरातात्विक निर्माणों का साक्षी है अयोध्या और उत्तर प्रदेश। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 500 साल के संघर्ष के बाद पुनः भगवान श्री राम का जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, ऐसे में भगवान राम के जन्म स्थान पर जाकर के मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले हमने अपनी आज की कैबिनेट भगवान श्री राम को समर्पित की है। हम इस सभी मंत्रियों ने प्रसन्नता के साथ, संगठन के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बी डी शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी शुभकामना हमारे साथ है और ये सरकार भगवान राम के बताए मार्ग पर चलते हुए जन कल्याण के काम में लगातार करती रहेगी। राम राज्य की पुनर्स्थापना को लेकर के निश्चित रूप से हम सब संकल्पित हैं। आने वाले समय में हमारे संकल्प पत्र के एक एक अक्षर को पूरा करते हुए आज भगवान राम को प्रणाम करते हुए उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में खास करके जन कल्याण के कामों को लेकर के और भी नवाचार करते रहें।